आकार समाप्त होने का, निरहंकार होने का, ममता मेरा कुछ न मानो। अभी अभी बैठो, अभी अभी यहाँ आज ठहरे हुए हो, इतना बड़ा शहर है, इतने मकान है, जहाँ मेरा नहीं मानते हो, कहीं आपका आकार है कि मेरी कोठी बड़ी अच्छी बनी, ये मेरा मंदिर जो जो ही कहता है। अगर वो ये मानता है कि ये मंदिर हमारा बनाया हुआ है, चाहे मंदिर दर्शन करने ना आवे, हजारों मील दूर रहता हो, वहाँ से भी बैठे बैठे सोच रहा है मेरा मंदिर हर द्वार में बना है, ये मेरा के कारण बंधा है, और यहाँ रहने वाला मेरा नहीं मानता है, वो मुक्त है, तो हमको बांधा किसने? मेरेपन ने, और मेरापन हमी से उत्पन्न हुआ, उसी से हम बंधे। मेरा छूट जाए, बंधन से मुक्त हो गए, बंधन से इतना छोटी सी युक्ति है मुक्ति की, लेकिन मेरा छूटता नहीं, बंधन से मुक्त हो सकते नहीं, या कोई मुक्त कर सकता नहीं। परमात्मा के जो पदार्थ हैं वो मिलेंगे छूटेंगे, वो तो छूटेंगे, उनको हम रख सकते नहीं, अभी देख रहे हैं कि रहेगा कुछ नहीं, और फिर भी मेरा मानते चले जा रहे हैं। पुत्र नहीं रहा, लोग कहते हमारा पुत्र, हमारा पुत्र नहीं रहा, हमारी पत्नी नहीं रही, हमारे पति नहीं रहे, अब भी मेरापन नहीं छूटता, मेरे पति नहीं रहे, मेरी जमीन नहीं रही, मेरी जायदाद नहीं रही, कितना यानी अज्ञान है। अज्ञान की परिभाषा क्या है भाई, किसी को याद है? अज्ञान की सरल परिभाषा क्या है? ज्ञान ढक गया है, ज्ञान होना नहीं है, ज्ञान यहाँ आकर के आपको प्राप्त नहीं करना, तुम ज्ञान ही हो, लेकिन ज्ञान में तुमने जो मेरा मान लिया है उसी से ज्ञान ढक गया, कितनी सी सरल बात। अरे 10-15 मिनट 8 घंटा तो मुक्ति का आनंद ले लिया करो, जिस समय मन शांत हो उस समय आत्मा को परमात्मा कैसे लगाएगा? अरे बाबा, मन में जब कामनाएं नहीं है तब बचे तुम, अब तुम सोचो हम कौन हैं, पहले ये प्रश्न हल करो, हम क्या रूप, किस रूप में बचे, पत्नी रूप में बचे कि माता रूप में बचे कि सास रूप में बचे, तब तो बात गड़बड़ हो गई। इसलिए बुद्धि से जब समझोगे तो पता चलेगा कि परमात्मा, पहले तुम अपने में पहुंचो हो, अपने में ठहरो तो तब आत्मा परमात्मा का योगानुभव हो सकेगा, वरना इसे सुना करो आत्मा को परमात्मा में लगाओ, कोई वस्तु छोड़े कि आंसू उठा के यहाँ लगा दिया, तो तुम्हारा ख्याल है, तुम्हारे चेतना में जो भर गया है, चेतना में जो चेतना तुम्हारी जो ढक गई है, या दूसरे शब्दों में बुद्धि, बुद्धि जो विचारों से ढकी हुई है और वासनाओं की आंधी से जो चंचल हो रही है, तो वासना की आंधी समाप्त हो जाए और विचारों की धूल उससे हट जाए, तब दर्शन होगा किसका? अपना, मैं कौन हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न, भगवान कहाँ हैं, भगवान कैसे हैं, भगवान कहाँ मिलेंगे, ये तो लाखों लोग भगवान को खोज रहे हैं और खोजने वाले अभी अपने को ही नहीं जान पाए कि मैं कौन हूँ। तो जिसे खोजने वाले का पता नहीं और भगवान का पता लगा हुए, यही भूल चल रही है हमारे संसार में कि खोज हो रही है, साधन चल रहे हैं, जब कीर्तन पूजा पाठ चल रहे हैं, और खोजने वाला यही नहीं जानता कि मैं हूँ कौन। और उनमें से हम ही लोग बैठे हैं, कुछ माने बैठे हैं, किसी के बेटा है, किसी के पिता है, किसी के पति है, किसी की पत्नी है, ये भीतर ज्ञान में भर गया है, ज्ञान में भर गया है, जो ज्ञान थक गया है। अब प्रश्न होता है भगवान कहाँ मिलेंगे, सुना सुनाया भगवान पकड़ लिया, किसी के राम भगवान, किसी के कृष्ण भगवान, बुद्धों के और भगवान, जैनियों के और भगवान, सब भगवान भी तमाम है, बस जो जैसा मानता है अपनी स्वीकृत से उसी के अनुसार वो खोज कर रहा है। लेकिन सावधान वो है जो खोज करने वाला अपने को खोज ले कि मैं इस देह में कहाँ हूँ और क्या हूँ। इस देह में दूर नहीं, क्योंकि हम देह में तो देह यही हम बोल रहे हैं, देह यही हम सब कुछ कर रहे हैं, तो हम देह में कहाँ हैं और हमारा रूप क्या है, पहली खोज तो ये होनी चाहिए। अब फिर ये जो चल रहा है तो चलेगा ही, और चलेगा जीवन भर चलेगा, पूजा चलती रहेगी, पाठ चलते रहेंगे, क्या होगा, कुछ अंशों में पाप से बच जाएंगे, पुण्य होने लग जाएंगे, पाप से बच जाएंगे तो दुख ना आएंगे, पुण्य होने लग जाएंगे तो सुख आएगा, और जो आएगा वो रहेगा नहीं। पुण्य से जो धन मिलेगा, पुण्य से जो फूल मिलेगा, तन मिलेगा, जो मिलेगा रहेगा नहीं। क्या ख्याल है आपको, पुण्य से कितना मिला, जितने लोग बैठे हो सब पुण्यवान हो, तुम मजदूरी नहीं करते हो, सड़क में झाड़ू नहीं लगाते हो, कंकड़ ईंटा पत्थर नहीं ढोते हो, इतने पुण्य तो है ही कि तुम्हें बहुत कुछ मिला है, वो पुण्य से मिला है, कर्म से मिला। अब जो मिला है ये रहने वाला नहीं है, और तुम तो रहोगे, इतना ही होश आ जाए। तो हमारा ज्ञान फंसा हुआ है, हमारा प्रेम फंसा हुआ है, हमारी शक्ति गलत दिशा में लग रही है, तीन चीजें, शक्ति लग रही है भोग में, और ज्ञान ढका है मेरा मानने वाले पदार्थों में, और प्रेम दौड़ रहा है सुख के पीछे,
ये मिल जाए सुख मिलेगा, ये मिल जाए सुख मिलेगा, यानी अपने सुख को हमने किसी न किसी वस्तु में किसी न किसी संबंधी में निर्भर कर दिया है। आदत ऐसी पड़ी हुई है कि चाहे इतना सुनो अभी छूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं, छूटेगी कब, जब दुख की कृपा होगी। दुख की कृपा क्या है, जो तुम पकड़ोगे उसी में जब दुख दिखाई पड़ेगा तब। अभी तो सब दिखाई पड़ रहा है, घर से आए घर हरिद्वार में सुख दिखाई दे रहा है, हरिद्वार में आए तो अपने महात्माओं के दर्शन में सुख दिखाई दे रहा, महात्माओं के दर्शन करते करते फिर अपने गुरुदेव में सुख दिखाई दे रहा, दिखाई दे सब पराधीनता सब करते। जब तक हम अपने से भिन्न में सुख की प्रतीति के पीछे दौड़ेंगे तब तक हम पराधीन हैं, हमारी प्रसन्नता पराधीन है। कई अपनी बात है, आप लोगों में कोई स्वाधीन है, जहाँ जितनी दौड़ भाग है वो बता रही पराधीनता, जहाँ कुछ चाहते हो पराधीनता, जिसके लिए चलते हो, जिसको पकड़ते हो, जिसको छोड़ते हो, सब पराधीनता। स्वाधीनता में तो बाहर न कुछ छोड़ना है न पकड़ना है, खाली देखना है, देखना है बस, देखना आ जाए बस मुक्ति भक्ति सुख शांति सब सुलभ हो जाए। देखना आता नहीं, कभी गलती नहीं की, लगता है हम बड़े ज्ञानी हैं, लगता है हम बड़े भक्त हैं, लगता है भगवान का भजन करते हैं, लगता है बड़े प्रेमी हैं, अनन्य अनन्य प्रेम है हमारा। कोई कहता है हम पति की बड़े भक्त हैं, कोई कहता है हम पिता के बड़े भक्त हैं, कोई कहता है हम गुरु के बड़े भक्त हैं, कोई कहता है भगवान के भक्त हैं। ये अहंकार बोल रहा है कि हम बड़े भक्त हैं बड़े प्रेमी, अहंकार की भाषा है। और अहंकार अपने को जानता नहीं है, आकारों को लिए हुए और अकड़ रहा है, मैं हूँ ये मेरा है, मैं हूँ ये मेरा है। कहीं आप बेटी बन गए, कहीं बहन बन गए, कहीं बहू बन गए, फिर आगे चल करके माता बन गए, फिर सास बन गए, बनते बनते सब बिगड़ने लगा। पहले एक एक बढ़ा सब बनते गए और फिर एक घटा तो बिगड़ते गए। वृद्ध माताओं से पूछे कहाँ पहुँचे, बनते बनते कहाँ पहुँचे, यहाँ तमाम वृद्ध माताएं देखी, पहले तो बने और जो बने वही बिगड़ा, और बिगड़ा तो हाय हाय कर रहे हैं, ये क्या है। और वही तुम्हारे आस पास हैं और उनको देख करके होश नहीं आता कि इतनी उम्र बिताने के बाद, बहुत कुछ खाना खाने के बाद, पीने के बाद, बहुत कुछ अपना मानने के बाद ये अंत में हाय हाय कर रहे हैं, तो हमारी क्या दशा होगी, हम इन्हीं के पीछे तो चल रहे हैं, इतना भी होश नहीं आता, कहूँ सकता है इन्हीं के पीछे चल रहे हो ना, कौन जो बंधे हुए। और ये भी इतना भी याद नहीं आता, जब इनको इतना ज्यादा मिला है और ये शांत तृप्त नहीं है, तो अभी तो हमें बहुत कुछ करना है। जब कर्म करेंगे पूर्ण होंगे तब रूप मिलेगा, सब संयोग मिलेगा, सब संबंधी मिलेंगे, अच्छी पत्नी मिलेगी, अच्छे पति मिलेंगे, अच्छी संपत्ति मिलेगी, तो वो जो हमको मिलेगी वो बहुतों को मिल चुकी है। और जिनको मिल चुकी है वो कहाँ है, अशांत है, अतृप्त है, बंधन में है। और हम वही चाहते हैं हमको मिले। फिर जब साधु बन गए तो ये सिद्धि कैसे मिलेगी, ऐसे महात्मा कैसे बनेंगे, ऐसे त्यागी कैसे बनेंगे, ऐसे तपस्या, फिर एक नकल शुरू हो गई, त्याग की तप की, जाने कितना विस्तार है अज्ञान में। ये सहज योग कहा, सहज योग का मतलब है जिसमें तो बिना किए ही जो प्राप्त हो उसको सहज कहते हैं, सहज शब्द के ही परवा, बिना कुछ किए जो मिला है वो सहज है। तो योग बिना कुछ किए ही मिला है, भोग करने से मिलेगा, संयोग करने से मिलेगा, योग तो प्राप्त ही है, उसको देखने की ये दृष्टि प्राप्त करना उस समय सहज योग, सहज समाधि, जहाँ कुछ बिना किए ही बुद्धि स्थिर हो जाए सहज समाधि, साधो सहज समाधि भली सहज योग। सहज का मतलब है जिसमें करना न पड़े, श्रम न हो, होता हुआ दिखाई। आप धड़कन चलाते हो कि चलती है, अब ये सहज है कि कठिन, लेकिन जब आप प्राणायाम करना चाहते हो तो कुछ करना पड़ जाएगा ना, इसी तरह सोच लो, जो भी आपको मिला है उसे जब करते हो तो श्रम है। अब बिना किए धड़कन चल रही है, बिना किए रक्त बन रहा है, बिना किए आपकी भूख लग रही है, और बिना किए आपके दांत चल रहे हैं, बिना किए आप कैसे हम न करें तो मुंह में हमने कैसे हम, तुम कर रहे हो कि हाथ उठा लिए जा रहे हैं भोजन, भोजन का ग्रास मुंह में जाता है ना, तो अपने आप किया कि तुमने किया, हाथ ले जाए। अगर ये समझ में आ जाए कि हम कुछ नहीं करते हैं, ये सब हो रहा है, ये सहज ज्ञान, सहज ज्ञान में दर्शन है। जब कर्ता बने तो हम बंधन में आ गए, और कर्ता न बनो दृष्टा बनो तो ऐसा लगेगा हो रहा है हमारे किए बिना। और फिर आप जहाँ अहंकार कर्ता बना है उसको देखो, उसके पीछे है तो
तो अहंकार के पीछे जब जाओगे तो अहंकार वो कर ही नहीं सकता जो बिना किए हो रहा है। जैसे भोजन तो तुम करोगे, अब भोजन पचाएगा कौन? तुम रक्त बनाएगा कौन? शरीर में ये दौड़ाएगा कौन? तुम? ये सहज है कि नहीं? तो सहज को तुम देख ही नहीं रहे, हम तो करने में व्यस्त। यहाँ तक कि भजन भी हम करना चाहते हैं, भजन कौन सा भजन करें, किसका नाम जपें, किसका ध्यान करें, ये प्रश्न आते हैं। और सहज जो हो रहा है उसका पता नहीं, वो गुरुजनों की बुद्धि शुद्ध हो, गुरुजनों का संग हो तब पता चलता है। सहज सहज वो है जो तुम्हारे बिना किए हो उसको तुम देखो, ये सहज। ध्यान नहीं करना है, ध्यान से देखना है, देखना है, देखोगे तो सहज। ये अभी जो बताया ही सहज ही, तो देखो तो क्या निकला, हम बिना किए हो रहा है सहज है। ध्यान से देखा जाता है, जहाँ ध्यान की क्रिया है वो तो अभ्यास हो जाएगा। भगवान का ध्यान करें, भगवान कृष्ण का ध्यान करें, राम का ध्यान करें, गुरु का ध्यान करें, ये तो अभ्यास हो गया। बिना किए क्या है, तुम्हारे बिना किए क्या सुलभ है उसको देखो। अब ये प्रश्न ही हम नहीं उठाते हैं, हमारे बिना किए कुछ सुलभ है कि नहीं, कुछ प्राप्त है कि नहीं, उस पर कभी ध्यान ही नहीं जाता। नींद खुली कि करना शुरू कर दिया, ये करना है, ये करना है, जब मिला तो ये मिला। अब बिना किए जो सुलभ है उस पर दृष्टि नहीं जाती, ये बुद्धि नहीं जाती। ये पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी में सहयोग कैसे? पढ़ाई लिखाई में तुम्हें सहयोग चाहिए ना, तो अब तुम्हें जो सहयोग चाहिए तो पढ़ता कौन है? तुम तो पढ़ भी चुके हो, लिख भी चुके हो, तमाम कर भी चुके हो, कर चुके हो कि अभी करना है? कर चुके। अच्छा, जब कर चुके हो सहयोग, तो सहयोग का मतलब है अब करने का अहंकार जो कर्ता बना है उसको ज्ञान में देखो और उससे अपना पिंड छुटाओ, तब सहयोग की अनुभूति। अब तुम्हें पढ़ाई लिखाई अगर तुम्हें कह दो हमें पढ़ाना है तो पढ़ाओ, कि पढ़ाना क्या है, जो तुम पढ़े हो वही तो पढ़ाओगे, जो तुम जो जानते हो वही तो जानाओगे, इसमें तुम्हारा क्या है? जैसे तुमने संसार में पाया है जो लेने वाले उनको देते रहो, करता न बनो तो मैंने दिया, जैसे मैंने दिया है तैसे मैं दे रहा हूँ, जैसे मैं चला हूँ तैसे चला रहा हूँ, जैसे मैं सुना हूँ तैसे सुना रहा हूँ। बात समझ में इशारा, यानी करना कुछ नहीं, तुम्हें जिस जिस विधि से मिला है उस तरह से अपने पीछे सुनने वालों को वही विधि बता दो, भाई ये विधि है, अब करता न बोलो। बस तुम सहज में रहो, जो सहज जो है यानी शुद्ध चेतन तत्व तो नित्य सहज है, उसको प्राप्त नहीं करना, परमात्मा प्राप्त नहीं करना, वो सहज है। लेकिन जो प्राप्त करना है वो संसार का है, ये भी याद रखना, जो भी प्राप्त करना है वो संसार का है, और संसार का जो है वो रहेगा नहीं, सदा छूट जाएगा, मिलेगा छूटेगा, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है। ऐसा आपके पास कुछ है ही नहीं जो बदल न रहा हो, और हमारी दृष्टि नहीं जाती, हम उसी को पकड़े हैं, ये मेरा मेरा, और मेरा कहते ही होश ही नहीं है कि मेरा जिसे कहते हैं तो क्षण क्षण बदल रहा है, आंखों से नहीं दिखाई पड़ता, बुद्धि से दिखाई पड़ता, छोटे छोटे बालक बैठे हैं ना, तुम कहते मेरी बिटिया मेरा बेटा, और बदल रहा है कि वैसे ही बना है, बदल साल भर बाद बढ़ जाएगा कि तुम बढ़ाओगे, सब अपने आप हो रहा है, ध्यान से देखते ही बिना किए ही सब कुछ हो रहा है, तुम्हें करना भी नहीं पड़ रहा है, और जो करते हो सब गड़बड़, करता अहंकार है तो भोक्ता बनेगा, अब करता न बन करके दृष्टा बनो तब भी होता रहेगा, तुम्हारे किए बिना होता रहेगा, धड़कन चलती रहेगी, सांस चलता रहेगा, मन जिसे मानता है वहाँ प्रयत्न करता रहे, कोई बुलवाए तो बोल दो, कोई सुनाए तो सुन लो, कोई तुम्हें बैठाए तो बैठ जाओ, तुमसे काम कराए शरीर से कर दो, करता न बनो, इसका हिस्सा है मेरा है। भगवान के जीवन में अगर आप दृष्टिपात करें वहाँ करतापना नहीं है, चाहे भगवान से कोई उद्देश्य ले, और चाहे युद्ध में रथ में बैठा के सारथी बना ले, चाहे उनको नचा ले, चाहे उनको गवाह ले, उनके जीवन में देखो क्या है, अपनी ओर से कुछ नहीं, जैसे जैसे संबंध है वैसे करते चले जा रहे हैं, लगता है क्या है, लेकिन विभाग करके देखो तो स्वयं की कुछ नहीं। ऐसी दृष्टि आ जाए तो कोई कठिन नहीं है। नारायण नारायण नारायण। हम लोगों की दृष्टि गलत, मन से अभी बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ है, और जब तक बुद्धि का विकास न हो, दृष्टि बाहर की दृष्टि तो आंख है, बाहर की दृष्टि ये आंख, ये आंख जानवरों की, पक्षियों की, पशुओं की बड़ी तेज,
अपनी सांस से हम क्या देख पाएंगे, जैसे गिद्ध ऊपर चाहे इतना ऊंचे दिखे, गिद्ध को मांस का टुकड़ा कहीं पड़ा होगा दिख जाएगा कि नहीं, और तुम निकल जाओगे तुम्हें न दिखेगा। इसका मतलब इंद्रियों की शक्ति तो पशु पक्षी में कीट पतंग में बहुत ज्यादा है, मनुष्य की जो विशेष शक्ति है वो बुद्धि, वो बुद्धि जड़ता में फंसे उसकी हम परवाह नहीं करते। पढ़ भी गए, डिग्री भी हासिल कर ली, डबल एम ए क्या क्या हो गए, शास्त्री हो गए, डॉक्टर हो गए, वैद्य हो गए, जीवन अंधकार में तो है कि नहीं। उसका परिणाम चाहते हैं सुख भोगते हैं दुख, चाहते हैं संयोग आता है वियोग, तब वाह वाह करते हैं कि हा हा करते हैं। तब भगवान सावधान करते हैं, भाई तुम संसार की किसी चीज को तुम अपने ढंग से रोक नहीं सकते, तब क्या करो, मत पीछे पड़ो। संयोग आता है आए, वियोग आता है आए, लाभ आता है आए। सुरक्षा की चिंता मत करो कि लाभ बना ही रहे, तुम्हारे बस की बात नहीं। जवानी बनी रहे तुम्हारे बस की बात है, पति पत्नी माता पिता ऐसे ही बने रहे किसी के बस की बात है, चाहे जितना धन हो, चाहे जितनी शक्ति हो, चाहे जितनी लंबी आयु हो। आज तक कोई देखा कि संसार की किसी संसार से मिले हुए पदार्थों को कोई सुरक्षित रख सका, कोई प्रमाण दोगे? बड़े बड़े संत आए, संत कबीर, संत नानक, संत तुलसीदास, सूरदास, भगवान कृष्ण, राम, सब आए इस धरती पर अपना संदेश देके चले गए, चले गए कि हैं। और उनका जो ज्ञान है वो है कि वो भी चला गया ज्ञान है। अब तुम्हारा तुम्हारी बुद्धि उस ज्ञान में देख रही है कि पकड़ रही है? अब भी गीता पढ़ते हैं पकड़े बैठे हैं मेरा मेरा, रामायण पढ़ते हैं पढ़ के पकड़े बैठे हैं मेरा मेरा। रामायण की बात कोई नहीं मानता, रामायण मानने वाले लाखों, गीता पढ़ने वाले लाखों, गीता की बात निर्मो निरहंकार सम दुख सुखा समय कौन पकड़ता है, और पकड़े तो कौन रोकने वाला है? सुरक्षित रहेगा कि नहीं, दुख मिट जाएंगे कि नहीं? गुरु ग्रंथ साहब पढ़ने वाले लाखों, गुरु ग्रंथ साहब की बात कौन मानते हैं? कितनी हत्याएं कितनी लड़ाइयां हो रही है, कोई धर्म है? मानते मानते चले जा रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो परिणाम क्या है? प्राकृतिक ग्रंथ दंड भोगना पड़ेगा, सबको दुख भोगने पड़ेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं सुख और भोगेंगे दुख, ये सबके साथ चल रहा है। तो भाई आपको अब तो दुख ना आएगा कभी? आप लोग इतने बैठे हो, धनी हो, पदाधिकारी हो, सब कुछ तुम्हारे पास तुम्हारे पुण्य से मिला है, अब दुख तो ना आने दोगे? तो हमारे पास हमारे संबंध में ही दुखी हो जाओगे, तुम्हारे मन के प्रतिकूल होगा, हमसे संबंधित अभी परिवार दूर है, अभी हम हैं, शायद दिन में हमारे ही प्रतिकूल हम ही से दुखी हो जाओगे कल, जब तुम्हारे मन की कुछ प्रतिकूल होगा तब। अब बताओ ये दुख किसने दिया, हमने दिया कि तुमने मान लिया? यानी इतनी बात कई बार कही चुकी है, सुख सत्य नहीं है माना हुआ है और तुम मानते ही चले जा रहे हो, दुख है नहीं तुमने मान लिया है और दुख से बचने के लिए लाखों उपाय कर रहे हो, तब व्यर्थ है कि अनर्थ है कि सत्य? इतना सुनने के बाद हमारी क्या चेष्टा है? सुख बना रहे, दुख कभी ना आवे, कोई सफल हो सका संसार में? कोई प्रमाण दो दुख कभी ना आवे। उसी के सामने दुख नहीं आया जिसने सुख की चाह का त्याग कर दिया, जो हो गया इतना ही। जिसने सुख की चाह का त्याग कर दिया उसके सामने दुख नहीं आया। आप लोगों में तो शायद सभी अब सुख न चाहोगे, क्या ख्याल है आप लोगों? अरे भाई कोई तो हाथ उठा दो, अब तो सुख न चाहोगे, बच के निकल जाओगे तब जब सुख न चाहोगे, तो बड़ी अच्छी उसकी। अब सुख न चाहोगे कब? जब अपने को जान लोगे कि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ, मैं परमात्मा में हूँ और ये सब परमात्मा का है। जब बेईमानी छोड़ दोगे, बेईमानी क्या है? है परमात्मा का, मान लिया मेरा, मान लिया कि नहीं? परमात्मा से मिला है, तुमने कुछ बनाया है, पुत्र का शरीर की पति का शरीर की पत्नी का शरीर, मकान बनाया है, है? अरे भाई कितनी कितनी पहले तो साधारण है, जाने कितने कितने बड़े मकान, बड़ी कोठियां और मिल, जाने क्या क्या बना लिए, बनाया नहीं जी? अच्छा अपना मत यही है। और घर जाते हो गए और कोई मेहमान आता होगा, जरा सफाई कर लो, कोई देखे तो ऐसा गंदा न पड़ा रहा, कहीं कैसे रही आदमी, नियत होगी कि नहीं? ये बढ़िया बात है, ये बहुत ईमानदारी है। यदि कोई गंदगी रहो, कालीन ठीक बिछा हो, दो दो चार चार हजार कालीनों में लगा दिए, लोग ऐसा न समझे कि मैं से
यानी किसी के त्याग की नकल नहीं करते, किसी के तप की नकल नहीं करते, किसी के ज्ञान की नकल नहीं करते, किसी की सहनशीलता की नकल ये देवियाँ नहीं करती, नम्रता की नकल ये नहीं करती। साड़ी की नकल जरूर करेंगी, अंगूठी की नकल जरूर करेगी, फैशन की नकल जरूर करेगी, शरीर संबंधी नकल सब करेंगे, और जिससे जो हमें जो सत्य है, शांति है, आनंद की दिशा है, उसकी कोई परवाह नहीं। ये सत्संग है, हम सब लोग सत्संग सुन रहे हैं। अब करोगे क्या? अब कर रहे हो क्या? असत, असत की दिशा में जो ले जाता है वही हो रहा है। कैसा गड़बड़ है? इसका मतलब हम नहीं कहते तुम छोड़ दो कुछ, हमारे कहने का मतलब ये लगा ले कि तुम्हारी तरह बाबा बन जाए, एक लंगोटी लगा ले और एक चद्दर ओढ़ ले, बस हो गया। हम ये नहीं कहते, करो सब, लेकिन सावधान तो रहो, अपने लिए न करो, दूसरों के लिए करो। एक पत्नी अपने लिए श्रृंगार की इच्छा न करे, लेकिन पति के लिए श्रृंगार करे, पति के लिए शरीर को ठीक रखे, पति के साथ चले, पति के मित्र हैं उसको कहीं बेहूदा न कह दे, इसकी परवाह करे। पति श्रृंगार करे किसके लिए? जो श्रृंगार से खुश होता है उसके लिए करे। अपने लिए कुछ न चाहे वो त्यागी, और यहाँ तो अपने ही लिए सब होता है। लोग हमें देखें कि हम कैसी सुंदर हैं, कैसी साड़ी सुंदर है, कैसा जेवर सुंदर है, कैसे हमारे बाल सुंदर हैं। अपने लिए जो करता है भोगी, और दूसरों के लिए करता है वो सेवा पराएं। एक शब्द है तो हमारे कहने का मतलब, थोड़ा कुछ छोड़ दो, करो, अपनी प्रसन्नता तुम्हारी निर्भर न हो, तुम रहो परमात्मा में और शरीर रहे संसार में, पृथ्वी में दे ही रहे परमेश्वर में प्राण, पृथ्वी में दे ही रहे और परमेश्वर में, तुम्हारा मन परमेश्वर में रहे, प्राण परमेश्वर में रहे, प्राणों का संबंध परमेश्वर से है और देह का संबंध पृथ्वी से। अब अंत में एक बात कहेंगे, ये मिट्टी के दिए हैं सब, जितने शरीर बैठे हैं ना, जैसे दीपक होता है ना, और दीपक में ज्योत जलती है, तो ज्योत किसकी है? ऊपर की है। और ये दिया मिट्टी का दिया किसका है? मिट्टी का है। दिया जब गिरेगा, जब मिलेगा तो मिट्टी मिलेगा, और ज्योत जब बुझेगी तो जहाँ की है वही। मिट्टी के दियों का कोई भरोसा मत करो, अगर होश रहे सपना, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, जो कोई सब मिट्टी के दियों का भरोसा मत करो। पता नहीं कब ये दिए में ज्योत बुझ जाए, और बुझ जाती है कि नहीं, तो ज्योत बुझती है तो हाय हाय करते हो कि वाह वाह, क्या ख्याल है? अब तो न करोगे, और ज्योति तुम्हारी नहीं, दिया मिट्टी का मिट्टी में मिल गया, तुम्हारा क्या है? अब तुम ज्योत स्वयं हो कि मिट्टी के दिया हो? अभी प्रश्न और हल कर लेना, तुम परमात्मा की ज्योत चैतन्य ज्योति हो कि मिट्टी के ये ढांचा हो, हड्डी मांस हो? तुम परमात्मा के हो कि धरती के हो? परमात्मा। और देह यहाँ धरती की है कि परमात्मा की? तुम परमात्मा की चैतन्य ज्योति हो, तुम तो परमात्मा में ही रहोगे, चाहे प्रकाशित हो चाहे बुझ जाओ, फिर इन देहों में, फिर इन देहों में, जैसे फिर मिट्टी की दियों में ज्योत जलती रहेगी, जलती रहेगी कि नहीं? हजारों बार जलेगी ज्योत तो बुझेगी, लाखों बार जलेगी बुझेगी, मिट्टी के दिया मिट्टी में रहेंगे, ज्योत परमात्मा से प्रकाशित होगी, फिर मिल जाएगी, फिर प्रकाशित होगी। तो आपसे याद रहेगा, हम परमात्मा की चैतन्य ज्योति है और ये मिट्टी के दिए हैं, इतना ही याद रह जाए तो हाय हाय बंद हो जाए। लेकिन आप बड़े जिद्दी हो, हाथ जोड़ोगे, फूल माला पहनाओगे, हलवा पूरी खिलाओगे, दक्षिणा दोगे, और बात किसी मानोगे, ज्ञान की कि अपने मन अज्ञान की? ये सब लीला चल रही हो, कहते हम कथा सुन रहे हैं, कहते हम सत्संग कर रहे हैं, कहते हम बड़े गुरु के भक्त हैं, हम गुरु की फोटू ले रहे हैं, और गुरु की रामायण का पाठ कर रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कर रहे हैं, है? हमारे सरदार साहब जानते होंगे, पता नहीं कौन बच्चे हैं, हत्या हो गई भैया, गुरु ग्रंथ साहब लिखा है कहीं जी? लिखा तो नहीं? क्या बात है, क्या अंधेर है, ये सब अज्ञान की लीला चल रही है। बनी तुमसे लाखों की, बनी तुमसे लाखों की, हम मानते क्यों? बनी तुमसे लाखों की, हम मानते क्यों? हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, हमारी जो बिगड़ी बनाई, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभो याद आई न होती। उससे विमुख
सबसे विमुख बना देता जो मानव को अभिमान वही है भूल न जाना। त्यागी वो हो जो अहंकार के सहित वासना को तज देवे, भय चिंता मिट जाए जिससे, भय चिंता मिट जाए जिससे आस्तिक का सद्ज्ञान वही है भूल न जाना। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है भूल न जाना। प्रभु के नाते सेवा करना प्रभु के, प्रभु के नाते सेवा करना कुछ न चाहे समर्पण कुछ भी पाकर, जो न कभी भूलता हृदय से ध्यान वही है भूल न जाना। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है भूल न जाना। जो दुख में गंभीर शांत है, जो जो दुख में गंभीर शांत है सहनशील है वही तपस्वी, सहनशील है वही तपस्वी। जो न किसी को, जो न किसी को दीन बनाए, जो न किसी को दीन बनाए सदगति दाता दान वही चाहे वह निर्धन है। जो धन चाहे वह निर्धन है, मान चाहता है अभिमान। मान चाहता है अभिमान, पथिक जो न कुछ चाहे जग से, पथिक जो न कुछ चाहे जग से बंधन मुक्त महान वही है भूल न जाना। भूल न जाना तुम जिससे सब कुछ पाते भगवान वही है, उससे विमुख बना देता जो मानव को अभिमान वही है भूल न जाना।
कोई भी भक्त जो भगवान को चाहता है, जब अपने साधन से निराश होता है तब वो प्रार्थना करता है। हे दुख हारी शरण तुम्हारी, हे दुख हारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके, तुमसे निज दुख रो न सके हम। देव तुम्हारे प्रेमामृत में, देव तुम्हारे प्रेमामृत में, अब तक हृदय भिगो न सके, अब तक हृदय भिगो न सके हम। हे दुख हारी शरण तुम्हारी, तीर्थ गए किया जप तप भी, तीर्थ गए किया जप तप भी, ग्रंथ पढ़े ज्ञानी कहलाए, ग्रंथ पढ़े ज्ञानी कहलाए, किंतु मूढ़ सब कुछ के पीछे, किंतु सब कुछ के पीछे, अहंकार को खो न सके हम, अहंकार को खो न सके हम। हे दुख हारी शरण तुम्हारी, जीवन कुछ करते ही बीता, जीवन कुछ करते ही बीता, फिर भी ऐसा हो न सका कुछ, फिर भी ऐसा हो न सका कुछ, जिससे सब अभाव मिट जाते, जिससे सब अभाव मिट जाते, ऐसी सुमति संजो न सके हम, ऐसी सुमति संजो न सके हम। हे दुख हारी शरण तुम्हारी, तुमसे निज दुख रो न सके हम, तुमसे जीवन कुछ करते ही बीता, जीवन कुछ करते ही बीता, फिर भी ऐसा हो न सका कुछ, फिर भी ऐसा हो न सका कुछ, यदि मुनियों की भांति जगत में, यदि मुनियों जगत में जाग सके या सो न सके हम। देव तुम्हारे प्रेमामृत में, अब तक हृदय भिगो न सके हम। हे दुख हारी
प्रभु तुम्हारी प्रभु तुम्हारे ही द्वारा ही अब प्रभु तुम्हारे द्वारा ही अब हो सकता है निर्मल जीवन हो सकता है निर्मल जीवन कृपा दृष्टि से कृपा दृष्टि से भूल जाएगा कृपा दृष्टि से भूल जाएगा जो मल अब तक धो न सके हम जो मल अब तक धो न सके हम ये दुख हारी शरण तुम्हारी हे समर्थ अज्ञान विनाशक पूरी हो यह भी अभिलाषा हे समर्थ अज्ञान विनाशक पूरी हो यह भी अभिलाषा अपने ही दोषों के कारण अपने ही दोषों के कारण कथित तुम्ही मय हो न सके हम कथित तुम्ही मय हो न सके हम देव तुम्हारे प्रेमामृत में अब तक हृदय भिगो न सके हे दुख हारी हे दुख हारी शरण तुम्हारी तुमसे निज दुख रो न सके अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते कितना कोई पापी हो कितना कोई पापी हो पर द्वेषी संतापी हो पर द्वेषी संतापी हो वे सुहृद परम प्रभु सबका सुहृद परम प्रभु सबका उपचार किया करते हैं अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं प्रभु अपने शरणागत
प्यार किया करते हैं प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं जिसको सब हैं ठुकराते जिसको सब हैं ठुकराते प्रभु उसको भी अपनाते प्रभु उसको भी करुणा निधि ही तो सबका करुणा निधि ही तो सबका निस्तार किया करते हैं अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं प्रभु अपने शरणागत को जो भटक रहा हो आकर जो भटक रहा हो आकर जो अटक रहा हो पाकर जो अटक रहा हो पाकर ऐसे संभ्रांत पथिक को ऐसे संभ्रांत पथिक को प्रभु पार किया करते हैं अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं प्रभु अपने शरणागत को स्वीकार किया करते हैं अधमोद्धारक हैं सबका उद्धार किया करते हैं ही सुंदर समय है जाग
जाग्रत जीवन बिताओ, कहीं भी कर्तव्य पालन में न तुम आलस्य लाओ। सबल होकर बहुत दुर्बल हो चुके हो, अब न होना सबल होकर। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना। मधुर सुख है जो दिखता ये है मधुर सुख है। अरे ये अरे ये है सब स्वप्न है, बस इसी सुख का अंत दुख है, इसी सुख का अंत दुख है। तुम अनेकों बार अब तक, तुम अनेकों बार अब तक रो चुके हो, अब न रोना। स्वर्ण घड़ियां कदाचित तुम खो चुके हो, अब न खोना। उठो मानव मिल रहा है वही तुमको, मिल रहा है वही तुमको जो कि पहले से दिया है, जो कि पहले से दिया है। उसी का फल सामने है, शुभाशुभ जैसा किया है, शुभाशुभ जैसा किया है। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो, अब न बोना। बीज अनुचित कर्म के यदि बो चुके हो, अब न बोना। उठो मानो एक हो कर बन रहे हो, एक हो कर बन रहे हो। तुम अनेकों वेशधारी, तुम अनेकों वेशधारी, कभी स्वामी कभी सेवक, कभी स्वामी कभी सेवक, कभी राजा या भिखारी, पथिक कभी राजा या भिखारी। पथिक क्या क्या अभी तक तुम, पथिक क्या क्या अभी तक तुम हो चुके हो, अब न होना। उठो मानव आँख खोलो, सो चुके हो अब न सोना।
स्वर्ण घड़िया कदाचित तुम खो चुके हो अब न खो यही सुंदर जीवन है जो
प्रभु के मन भाए।